बस्ती जिले में पिछले कई दिनों से विद्युत कटौती से आम जनमानस पूरे तरह से त्रस्त है। जहां देखो वहां गर्मी से लोग बेहाल हैं, कभी लो वोल्टेज तो कभी बिजली कटौती ने न केवल लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है बल्कि खेतों में लगी फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मानसून समय से न आने के कारण बारिश भी नहीं हो रही है, इसके चलते किसानों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जनता के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर भले ही मौन है लेकिन कांग्रेस पार्टी बिजली कटौती को लेकर मुखर दिख रही है। जनपद में आघोषित विद्युत कटौती को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बस्ती जिले के शास्त्री चौक से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। बिजली से तबाह है, किसान फसल में जो रोपाई करना धान का उसे ठीक नहीं चल पा रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही, शहर में रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं, जो हालत है, चार चार छः छः घंटे कटौती हो रही है, हर घंटे बाद कटौती होती है। दूसरी तरफ सड़कों की नगर पालिका की बदतर हालत है, नालियां बजबजा रही हैं, नालों में पानी भरा हुआ है, कहीं कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सुनवाई नहीं कर रहा है। नगर पालिका की हालत बदतर है, न सफाई ठीक हो रही है। देखिए सरकार बहुत दावा करती है लेकिन दावे की हकीकत यह है कि जब आप, मैं भानपुर टीडर के अंतर्गत चित्रगावा ग्राम सभा से आता हूँ, रात रात भर बिजली नहीं रहती है। हम लोग खुद लाइन मैनों के साथ जाकर जब यथा स्थिति देखते हैं, मौके पर जाते हैं, तो वही दिखाई देता है कि आज 25 साल से जो खंभे लगे हुए थे उन पर जो इंसुलेटर लगे हुए थे, उन पर जो रेगुलेटर लगे हुए, लगभग 10 बार बिजली कट रही है और जिससे किसानों का जो नुकसान हो रहा, आदमी आर्थिक रूप